जिस चिन्याली सौण अस्पताल की बात हो रही है उसमें 41 बेड के तैयार किया गया है। तमाम जो मजदूर हैं उनको इस चिन्याली सौण अस्पताल में लाया जाएगा, जहां पर मैं मौजूद हूं। यहां की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस तरह से ये पूरा अस्पताल तैयार किया गया है। देखिए आईटीबीपी की सुरक्षा इस पे है, बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से बंद किया जाएगा और तमाम जो लोग जो यहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं, अन्य जनपदों से भी डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, मजदूरों को यहाँ लाया जाएगा। अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती है, क्रिटिकल कंडीशन किसी की होती है, तो उनको फिर एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश के लिए भेजा जाएगा। ये पूरा प्लान तैयार हो चुका है जिस पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार बात भी कर रहे हैं और इसी प्लान पर पूरी चीजें तय की गई हैं। बड़ी मजदूरों के लिए सुरंग के बाहर तमाम इंतजाम किए गए हैं, एम्बुलेंस से लेकर अस्थाई अस्पताल तक का इंतजाम किया गया है। सुरंग के बाहर एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया है, तो वहीं 30 किलोमीटर दूर चिन्याली सौण से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी है, जिसे फिलहाल 41 बेड का अस्पताल बनाकर तैयार किया गया है। मजदूरों को वहां तक पहुंचाने के लिए 11 एम्बुलेंस भी लगाई गई है। कुल मिलाकर मजदूरों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस तक की सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही अगर किसी मजदूर की तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए ऋषिकेश एम्स का प्लान भी पूरी तरीके से तैयार किया गया है। इस रेस्क्यू में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसे लेकर तमाम आला अधिकारियों ने तमाम एजेंसी को ब्रीफ भी किया है। NDRF तमाम आला अधिकारियों ने जो एजेंसीज हैं उनको ब्रीफ भी किया है। NDRF SDRF की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जैसे ही मजदूर टनल से बाहर आएंगे तो ये सारी टीमें चिन्याली सौण के अस्पताल तक लाने में अहम योगदान करेंगे। हादसों के दिन, संघर्ष की कहानियां, उम्मीदों भरी भोर की पहली किरण, सुरंग से बाहर जिंदगी की नई सुबह, चट्टानों से जंग, हौसले की जीत, उम्मीदों का चिराग, मजदूरों को नई रोशनी। उत्तराखंड के सिलक्यारा में सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और टनल में फंसे मजदूरों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण 900 मिलीमीटर की पाइप है। ये वो पाइप है जो मजदूरों को आज एक नई सुबह दिखाई। इसी पाइप के जरिए मजदूर 12वें दिन सूरज की पहली किरण देखेंगे और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई अमेरिका की ऑगर मशीन ने। इसी ऑगर मशीन ने चट्टानों का सीना चीरते हुए मजदूरों के लिए नई जीवन रेखा खींची। सरकार के अथक प्रयास और मजदूरों के बुलंद हौसलों ने ये बता दिया कि आपदा और चट्टान कोई बाधा नहीं बन सकते। देर रात जब ऑगर मशीन अपने भारी भरकम जबड़ों से चट्टानों को तोड़ रही थी, तभी उसके सामने एक और चुनौती आई और वो थी लोहे की सरिया। लेकिन मजदूरों और जिंदगी की नई सुबह के बीच दीवार बन रहे लोहे के जाल को हटाने का जिम्मा आपदा में देवदूत बनने वाले हमारे NDRF और SDRF के जवानों ने उठाया और गैस कटर की मदद से दोनों टीमों ने इस फासले को मिटा दिया। जब काटते हैं तो हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर है और स्मोक भी होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा, जैसे एक सरिया काट के एक आदमी बाहर आ जाएगा, फिर दूसरा जाएगा वो दूसरा सरिया काट के बाहर आ जाएगा। पाइप के अंदर जो स्मोक है उसको थोड़ा सा डिफ्यूम करना पड़ेगा, वहाँ पे फैन
छोटा सा फैन अवेलेबल है एनडीआरएफ की तरफ से जी। तो ऐसे चार पांच अटेम्प्ट में चार पांच सरिये कट जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पिछले 11 दिनों से एक मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ ने 800 मिलीमीटर पाइप के भीतर से मजदूरों को निकालने के लिए गोलाकार स्ट्रेचर बनाया है। बुधवार को बाहर पाइप के भीतर इसे डालकर उन्होंने मजदूरों को बाहर निकालने की मॉक ड्रिल भी की। उम्मीद ये की जा रही है कि सब कुछ ठीक रहा तो पाइप सुरंग में आर पार होने के बाद महज कुछ ही मिनटों के भीतर सभी 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टनल में फंसे मजदूरों का लगातार हौसला बढ़ाया जा रहा है। माइक्रोफोन के जरिए मजदूरों से बातचीत की जा रही है। जो पाइपलाइन डालने का काम बचा था क्या वो अंदर? सर वो अभी जारी है, चल रहा है। पाइपलाइन अब डालने का काम चल रहा है। जो सरिया आ गया था सामने उसे काट के हटा दिया सर। एनडीआरएफ काट के हटा दिया गया है। क्या एक अंतिम पाइपलाइन बच गया है? जी सर, अंतिम है सर। अंतिम पाइपलाइन बच गया। कितने घंटे में लगता है ये काम पूरा हो जाएगा? सर इसमें तो बता रहे हैं 3-4 घंटे और लग जाएंगे सुबह। इसके साथ ही साथ उत्तरकाशी टनल के ऊपर किसी के भी जाने की मनाही हो गई है। सभी काम को रोकने का आदेश दे दिया गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग को रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। सिलक्यारा की तरफ से पाइप डालने की जो कोशिश की जा रही है अब केवल उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ सिलक्यारा सुरंग से निकाले जाने के बाद मजदूरों की चिकित्सा जांच और देखभाल के लिए चिन्याली सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बेड वाला अस्पताल तैयार है और घटना स्थल के बाहर 40 एम्बुलेंस की तैनाती है। प्रशासन मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है, इसीलिए घटना स्थल पर नेशनल वैक्सीन वैन को भी तैनात किया गया है। कुछ मेडिसिन थी, कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन थी और कुछ वैक्सीन भी थी उसमें। इसमें टीका भी है, टीका अभियान के तहत जो टीके पड़ते हैं वो भी है? नहीं, वो टीके नहीं, और मेडिसिन टीके नहीं, इंजेक्शन वगैरह होते हैं जो एक्चुअली कूलिंग में ही आते हैं तो डिलीवर करके। अच्छा, ठंडी जगह में रखी जाने वाली दवाई को लेकर आप यहाँ लाए हैं और यही रहेगा ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से लगातार इस पूरी घटना पर निगाह बनाए हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी उत्तरकाशी में मौजूद हैं और पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि टनल से निकाले जाने के बाद वो मजदूरों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल जा सकते हैं। सिलक्यारा में हुए इस हादसे के बाद एनएचएआई भी जागा है और अब वो सुरक्षा और उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में सभी 29 निर्माणाधीन सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट करेगा, जिसके लिए एनएचएआई के अधिकारी दिल्ली मेट्रो रेल निगम के विशेषज्ञों की एक टीम अन्य सुरंगों के साथ देश में जारी सुरंग परियोजनाओं का निरीक्षण करेगी और 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 12 दिनों से चल रहा यह रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन मजदूरों और सरकार ने हार नहीं मानी, जिसका नतीजा ये रहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है और किसी भी वक्त 11 दिनों से टनल में कैद मजदूर सूरज की पहली किरण देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सीबीटी।